नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर जितना ही बयान दे रहे हैं उतनी ही चर्चा में जा रहे हैं, उतना ही मीडिया के प्रिय पात्र होते जा रहे हैं। बस्ती में टकाओं से बातचीत करते हुए बहुत साफ शब्दों में जो आजकल वो कह रहे हैं कि नेता दो मुहां सांप होते हैं, उसकी परिभाषा उन्होंने दिया है। तो पहले यह परिभाषा सुन लीजिए, इसके बाद अखिलेश यादव जी के प्रति क्या कहा है उन्होंने, वह भी आपको सुनना आवश्यक है। तो लीजिए पहले उनकी यह वार्ता सुनिए। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ। आपको उदाहरण दूं, कांग्रेस पार्टी से जब 2017 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने यही ना कहा इनके पास वोट नहीं है, इनसे गठबंधन करना बेकार है, हम इनसे गठबंधन अब नहीं करेंगे। फिर गठबंधन क्यों? बहुजन समाज पार्टी से पहली बार जब गठबंधन हुआ, गठबंधन टूटा तो दोनों नेताओं ने कहा कि जीवन में गठबंधन नहीं हो सकता, फिर दोनों ने कर लिया। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी महबूबा मुफ्ती, वो अलगाववाद की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने की बात करती है, दोनों से संपर्क हुए है ना। उसी तरह नेता लोग दुनिया सामने। अब अखिलेश यादव को उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वो जिता रहे हैं। मैं सट के भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा हूँ, अखिलेश यादव बाहर से भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। उन्होंने क्या तर्क दिया उसको भी आप सुन लीजिए। 2024 के चुनाव देश के लिए चुनाव होगा, लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के हम सहयोग कर रहे हैं तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग कर रहे हैं तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम तीन उदाहरण आपको दे रहे हैं। बाई इलेक्शन आया तो कांग्रेस पार्टी ने यूपी में समर्थन किया और कांग्रेस को हराने के लिए समाजवादी पार्टी चली गई उत्तराखंड, कांग्रेस को हरवाया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान शुरू हुआ उसी पर। दूसरा अभी मध्य प्रदेश देखिए तो वहां कांग्रेस को इन्होंने बयान खुलेआम बयान दिया अखिलेश जी कि चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना भाई, को कांग्रेस को वोट मत देना, वोट किसको देना उनको ही का बयान है। तो किसको वोट देने की बात कर रहे हैं? भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं। 100% देखिए, किसी आम आदमी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा लिख दिया जाए 120 बी में भी नाम आ जाते हैं तो उसको पुलिस पकड़ के धीरे 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 उसको जेल पहुंचा देती है। और खनन में अखिलेश जी का नाम, शिवपाल जी का नाम, गोमती रिवर फंड में रामगोपाल का नाम, उनके बेटे का नाम, शिवपाल का नाम, सबके नाम है, ये लोग बरी क्यों हैं? तो दिन में भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी और मोदी जी को सलाम करते हैं कि जान बचाओ हमारा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।